में अगर आपको मिक्स मैच करके पहनना पसंद है या फिर आपको मिक्स मैच करके पहनना नहीं आता है एंड यू वांट सम आइडियाज, तो ये वीडियो आपके लिए है. लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ मोनिका चैंपियन एंड होप आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है एंड आज का वीडियो भी फेस्टिव सीजन को डेडिकेटेड. इस वीडियो में मैं कुछ अपने बेसिक से एथनिक क्लोथ्स को मिक्स मैच करके कुछ नया ट्राई करना चाह रही थी. एक एथनिक प्यारा सा आउटफिट बनाएंगे, एक नहीं बहुत सारे, तो बने रहिए इस वीडियो. एंड पर्सनली मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप आउटफिट रिपीट करते हो तो इसमें कोई सेम वाली बात नहीं है. बिल्कुल भी शेम फील मत करना आउटफिट रिपीट करने में. इट्स ओके टू रिपीट अ क्लोथ. डोंट ऑफ योर मूड या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम्स के पिक्चर्स देख के, क्योंकि वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है चीज़ों को प्रमोट करना. वो नए आउटफिट न्यू ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, उनको उनके पैसे मिलते हैं. सो बिल्कुल भी ऐसा फील मत करना कि मैं आउटफिट रिपीट कर रही हूँ तो ये क्या सोचेंगे लोग. लोग कुछ नहीं सोचेंगे, बस आप इंजॉय होना चाहिए. ओके, आउटफिट नंबर वन. इसमें मैंने एक बेसिक सा स्कर्ट लिया है, उसके ऊपर ये हल्का हल्का पर्पल कलर का वर्क था, तो मैंने इसके ऊपर एक चंदेरी कुर्ती डाली है एंड सिंपल सा दुपट्टा डाला है एंड ये बहुत ही मुझे बहुत प्यारा लगा एंड ये बहुत मतलब मैच हो गया. मतलब पर्पल डी एंड उसमें स्कर्ट में मेरे पर्पल थोड़ा सा कुछ बना हुआ था एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा. और एक बात आपको बता दूँ, ये स्कर्ट मैंने साड़ी से बनाई है एंड अगर आपको भी ऐसी साड़ी से स्कर्ट बनाने हैं, जो साड़ियाँ नहीं पहनते, बहुत पुरानी हो गई है बट स्टिल इट्स लुक गुड, और आप उसको स्कर्ट बनाना चाहते हो, तो मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है, मैंने साड़ी से कैसे स्कर्ट बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दूंगी, आप वो जाकर देख सकते हो और बहुत ईजी वे में आप इस तरह का स्कर्ट रेडी कर सकते हो. आउटफिट नंबर सेकेंड आउटफिट में मैंने सेम स्कर्ट को अपने एक सरारा के टॉप से, मतलब सरारा की जो कुर्ती होती है, फ्रॉक वाली कुर्ती जो छोटी होती है, उसके साथ टैग किया है और ये भी इसके साथ बहुत ज़्यादा खिल रहा है. आई थिंक अच्छा लग रहा है एंड ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा एंड मतलब मैं ये पहनना चाहूँगी. एंड ज़रूरी नहीं है दिवाली इवेंट, अभी लक्ष्मी पूजा और काली पूजा एंड मेलाज लगने वाले हैं, वेडिंग सीजन्स भी आने वाले हैं, तो आप ये मिक्स मैच वाले एथनिक वेयर को आप वेडिंग्स में भी ट्राई कर सकते हो. आउटफिट नंबर थ्री, सेम सरारा वाली कुर्ती को मैंने एक गोल्डन कलर की स्कर्ट से पेयर किया. ये एक लहंगा का स्कर्ट है एंड आई थिंक गोल्डन वाले के से ज़्यादा अच्छा वो ऑरेंज वाले के साथ फिट बैठ रहा था. आप मुझे कमेंट में बताना कि ये दोनों में से कौन सा स्कर्ट इसके साथ अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट आउटफिट जो बिल्कुल ही कॉमन होता है, स्कर्ट एंड ब्लाउज एंड उसके साथ दुपट्टा. अगर आपके पास लहंगा प्रॉपर है लेकिन आप उसको मिक्स मैच करके पहनना चाहते हो, या कोई स्कर्ट, जैसे ये साड़ी वाली स्कर्ट है, इसको मैंने एक दूसरी साड़ी की ब्लाउज से मैच किया है एंड उसके साथ दुपट्टा मैचिंग करने की कोशिश की है. पता नहीं ये मैच कर रहा है या नहीं, आप बताना कमेंट में. एंड मुझे ये भी बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये पहन सकते हैं. नेक्स्ट आउटफिट अगेन सरारा जो मैंने सरारा सूट का टॉप यूज किया था, अब मैं उसका बॉटम यूज करना चाह रही हूँ ब्लाउज के साथ. सेम ब्लाउज को मैंने इस सरारा के बॉटम के साथ अटैच किया है एंड सरारा का ही दुपट्टा आप ले सकते हो, वो मैच कर जाएगा, या कोई वर्क वाला दुपट्टा ले सकते हो. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड जरूरी नहीं है ब्लाउज, आप इसको क्रॉप टॉप के साथ पहन सकते हो, डिपेंड ऑन आपका सरारा कैसा, आप इसको क्रॉप टॉप के साथ पहन सकते हो या कोई मतलब एथनिक टॉप यूज कर सकते हो, उसके ऊपर जैकेट यूज कर सकते हो या एथनिक श्रग भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत प्रिटी लगेगा. मेरे पास कोई ऐसा एथनिक श्रग अभी फिलहाल नहीं है, तो आप ट्राई करके देखना. एंड ये सरारा एंड ब्लाउज भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप इनमें से कोई भी आउटफिट ट्राई करते हो, मिक्स मैच करते हो एंड अगर फोटो अपलोड करते हो इंस्टाग्राम में, तो मुझे टैग करना मत भूलना. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मोनीट्यूट, और अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मेरा
इंस्टाग्राम चेक करो एंड अगर आपको वो अच्छा लगे तो प्लीज मुझे फॉलो करना. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल भी जरूर दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए. वैसे मैं प्रॉबेबली कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट्स ज्यादा डालती हूँ एंड पर डे डालती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, बट बीच बीच में कभी कभी गैप हो जाता है. एंड नेक्स्ट आउटफिट जो कि बहुत ही बेसिक है एंड ये ऑलमोस्ट आप करते ही होंगे, बट स्टिल मैं बता रही हूँ, अगर आपको मतलब एक कोई प्लेन सा कुर्ता ले लो एंड उसमें ना वर्क वाला दुपट्टा ले लो, बहुत अच्छा लगता है. मैंने बहुत कोई ब्लैक पसंद नहीं करते दिवाली में पहनना, बट मुझे कोई परहेज नहीं है ब्लैक पहनने से, तो ब्लैक कुर्ती को मैंने ब्लैक जीन्स के साथ टक किया है. या फिर आप प्लाजो यूज़ कर सकते हो एंड या पेंसिल पैंट यूज़ कर सकते हो एंड उसको मैंने ये हैवी दुपट्टे के साथ यूज़ किया है. आप इसमें डिफरेंट कलर के दुपट्टे यूज़ कर सकते हो. प्लेन कुर्तीज़ में यही अच्छा है कि आप उसको अलग अलग कलर के ब्राइट दुपट्टा से उसको मिक्स मैच कर सकते हो. आप प्लेन वाइट सूट भी ले सकते हो लाइक अनारकली प्लेन सूट एंड या स्ट्रेट कुर्ती और उसको डिफरेंट स्टाइल्स में टैग करो, डिफरेंट दुपट्टास के साथ टैग करो, बहुत अच्छा लगता है. एंड वेरी सिंपल, बहुत सिंपल जो मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है सलवार सूट एंड ये एवर ग्रीन है. कुछ समझ में नहीं आए ना तो एक सलवार सूट पटियाला सूट उठाकर पहन लो. ये सेमी पटियाला, इसके साथ मैंने लॉन्ग कुर्ती सिलवाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं अच्छा लग रहा था एंड ये भी काफ़ी अच्छा लगता है. मैंने लास्ट दिवाली में भी आई थिंक ऐसा ही कुछ पहना था, कुर्ती मतलब सूट पहना था बेसिकली. तो कुछ जब समझ में नहीं आना सूट पहन लेना और हाँ कपड़े रिपीट करने में नो शेम, याद रखना ही. अगर आपको ये हैक्स अच्छे लगे हो एंड डेफिनेटली अगर आप इसमें से कोई भी ट्राई करते हो ना और अगर पिक्चर अपलोड करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में जरूर टैग करना, मैं अपने स्टोरी पेज पे आपको शेयर करूंगी. ऐसे तो मेरे अभी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है बट होपफुली अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरे फॉलोअर्स एंड यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे. एंड अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो ऑलरेडी मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनको बहुत 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 सारा थैंक यू फॉर सो मच लव. एंड सॉरी मैं नवरात्रि में बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं नवरात्रि के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई एंड बट हाँ दिवाली के लिए और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ. तो स्टे कनेक्टेड और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नेक्स्ट वीडियो का. एंड हाँ मैं शॉर्ट्स रेगुलर अपलोड करती रहती हूँ तो आप शॉर्ट्स मेरे देख सकते हो. या तब तक खुश रहो, मज़े करो एंड चैनल सब्सक्राइब करो. एंड हाँ जो भी आउटफिट आपको अच्छा लगा हो, मिक्स मैच सही हो, उसको मेरे को कमेंट में बताना कि मिक्स मैच मैंने सही किया है या नहीं, या इसमें और कुछ क्या होना चाहिए आप मुझे वो भी बताओ. अगर आपके पास कोई टिप्स है तो वो भी मुझे कमेंट में बताना. एंड तब तक के लिए इंजॉय करो, मस्त रहो और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. आई ड्रेस चेंज करते करते मैं इतने बाल झड़ गए, ये आपको दिख रहा है, इतने बाल झड़ गए. एंड अगर आपने अब भी इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है वो भी अपना इतना सारा नुकसान करके और अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना मेरा चैनल में बुरा मान जाऊंगी, देख लेना. पर वीडियो बनाने के बाद दिस इज द मेस व्हाट आई क्रिएटेड और मैंने ये सब कुछ फैला के रखा है और अभी मुझे लंच भी बनाना है तो मैं लंच बनाऊँ या ये सरियाऊँ, दोनों काम ही नहीं करूँगी तो मुझे पिटाई पड़ने वाली है.